1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा दौलतमंद था, जबकि आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। अस्सलाम वालेकुम दर्शक, आशा करी अपनारा सबाई अनेक भालो आछेन। ভিডিও রিসার্চের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে, তার জন্য পুরো বিশ্বে বাংলাদেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে ব্যাপক। বাংলাদেশের উন্নয়ন চোখ এড়ায়নি প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের। উন্নয়নের ব্যাপারটি নিয়ে ভারত পাকিস্তানের গণমাধ্যমের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ভারত পাকিস্তানের গণমাধ্যমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলাদেশের উন্নয়ন। বর্তমানে 2021 সালের সমীকরণ অনুযায়ী ভারত পাকিস্তান থেকে বেশ উন্নত এখন বাংলাদেশ। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে পাকিস্তানের গণমাধ্যমের কিছু প্রতিক্রিয়া। চলুন দর্শক, তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा दौलतमंद था, जबकि आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। सवाल यह है कि बांग्लादेश जनूबी एशिया का माशी स्टार बनता जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपसी लड़ाई में ही मसरूफ रहे। बांग्लादेश की नमो 3 बुनियादी चीजों पर मुनसर है, बरामदाद, माशी तरक्की और दुरुस्त माली हिकमत अमली। बांग्लादेश की मजदूर कुवत में खवातीन का बराबर का हिस्सा रहा है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बरक्स बांग्लादेश में खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं। बांग्लादेश की नमू 2011 और 19 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदाद में हर साल 8.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि दुनिया की औसत बरामदाद का 0.4% बनता है। कामयाबी की बड़ी वजह मुल्क की मलबूसात जैसी मसनूआत पर लगातार तवज्जो मरकूज करना है, जिसमें इसको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ। रवा माह बांग्लादेश की काबीना के सेक्रेटरी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया गुज़िश्ता साल के दौरान GDP में 9% का इजाफा हुआ, जो बढ़कर अब फीकस आमदनी की सूरत में $2,227 तक जा पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी $1,543 और भारत की फीकस आमदनी $1,947 है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा दौलतमंद था, जबकि आज बांग्लादेश पाकिस्तान की निस्बत 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश अगर 45% से बेशी उन्नत पाकिस्तान थे, इसमें बांग्लादेश इस काबिल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान कर सके। इसकी मईशत की पुख्तगी होती जा रही है और अब इसका फायदा अवाम तक पहुंच रहा है, वियतनाम और दीगर ममालिक की तरह। इसके बाद अब इसकी लिबास की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे बरामदाद भी बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि बांग्लादेश की मईशत के फायदे अब उसकी अकवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। याद रहे कि माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेशी हुकूमत को अगली दिहाई के लिए एक हिकमत अमली के तौर पर नए निज़ाम को तश्कील देना होगा और मईशत की मुसलसल तब्दीली पर नजर मरकूज करनी होगी। सबसे जरूरी यह है कि आज़ाद तजारत के मुआहदों पर दस्तखत करके दुनिया की तरक्की याफ्ता और बड़ी मार्केट तक रसाई हासिल की जाए। बांग्लादेशी अहदेदारों के मुताबिक जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के एसोसिएशन के साथ FTA पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना उनके लिए बाकी है। দর্শক, 1971 সালে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন পুরো বিশ্বে পাকিস্তান একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ছিল। তখন সারা বিশ্ব পাকিস্তানকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে মানত। আপনারা জানলে অবাক হবেন, বর্তমানের উন্নত দেশ দক্ষিণ কোরিয়া পাকিস্তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দেশকে সাজিয়েছিল। সেই সময়ে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে 70% উন্নত ছিল। কিন্তু দর্শক, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আল্লাহ রহমতে বর্তমানে বাংলাদেশ ওই পাকিস্তান থেকে 45% উন্নত। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই বলে ভিডিওটি আজকে শেষ করছি। দর্শক, ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এতটুকুই থাক। আল্লাহ হাফেজ।